हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम फर्स्ट टाइम करने लगे हैं अपने लिए शॉपिंग। शॉपिंग इस तरह नहीं कि मतलब ग्रॉसरी एंड ऑल दैट। आई जस्ट वांटेड टू बाय टू मेजर थिंग्स। नंबर वन इज माय आयरन, द स्टीम आयरन, क्योंकि कपड़े अपने खुद आयरन करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं इधर आ गया हूँ तो करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं घर पे भी करता था। नहीं यकीन तो मेरे घर वालों से पूछ लीजिएगा। एक्चुअली मुझे ना, आई एम सो सॉरी, लेकिन एवरीबडी नोज कि मुझे किसी की आयरन जो है ना वो पसंद नहीं आती। आई यूज टू आयरन माई क्लोथ बाई माई सेल्फ। हाँ, अगर कभी दिल ना करे तो मैं फिर घर में कह देता हूँ कि मेरे कपड़े जो है वो आयरन कर दें। सो मकसद कहने का ये है कि येस, आई नीड एन आयरन, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली आज नहीं तो कल मैं अपने अपार्टमेंट में मूव कर जाऊँगा, तो उसके लिए डेफिनेटली मुझे रिक्वायर्ड है। अभी तो यहाँ पे लॉन्ड्री सर्विसेज से काम चल रहा था, इवन दो आई वॉज पेइंग देम, और वो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे थे मेरे से। तो हम जाएंगे बाहर और हम वहाँ से ख़रीदेंगे अपने लिए आयरन, पहली चीज़। दूसरा, हम लोग ख़रीदेंगे अपने लिए ब्लो ड्रायर। ऑफिस जाना होता है, बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। यू सी, अभी भी मैंने बनाए हुए हैं बाल। सो करें, दूसरी चीज़ हम लेंगे अपने लिए ब्लो ड्रायर, सिंस साथ ही साथ मैं आप लोगों को अपना इधर मार्केट का विजिट भी करवाऊँगा। विल गो टू सम इलेक्ट्रॉनिक शॉप एंड विल सी कि हमें कितने की मिलती है, और देन आई विल शो यू दैट व्हाट वी आर बाइंग। मेरा पहला प्लान है गुलान मॉल जाने का, जिसका कल मैंने आपके साथ जिक्र भी किया था। इट्स ए ह्यूज मॉल, आई होप कि वहाँ से भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं, मज़े करेंगे। सो गाइज, आई एम रेडी, वी आर गोइंग आउट एंड होटल तो आपने मेरा देख ही लिया था, लेकिन आज मैं मिलवाता हूँ आपको अपने एक दोस्त से जो कि यहाँ पे पूरे होटल को डील करता है, एंड हिज नेम इज रईस। हेलो रईस, हाउ आर यू? आई एम ओके। सो शुड आई कैरी माई जैकेट विद मी? इट्स सनी आउटसाइड, सो व्हाट डू यू थिंक? Guys, let me tell you, he is a very nice man. He helped me a lot from the day one. And when I check in, from that day till now, I just used to make a one call and my work has done. So he is a magician for me, I would say. So thank you so much, Rais. Thanks a lot for all your help and support. So what have you said? Nice to meet you. Okay. Nice to meet you too. Thank you. So guys, ab hum jayenge bye. And we'll visit the market to get our iron. Catch you later. Wow, it's sunny. Dekha, maine kaha tha dhoop hai bhai. Okay, before we move towards Gulan, usse pehle jo important cheez hai, mujhe aisa lagta hai ki jo cash mere paas pada hua hai wo kam na ho, to pehle hum jayenge. Yaar guys, I'm so sorry, ye camera ka jo masla hai na, ye suraj ki roshni ki wajah se hota hai. Oh my god. This is a Holland Flowers. You can see the shop and flowers are inside. बहुत ज़बरदस्त दुकान है। So पहले हम जाएंगे money exchange. I have some money जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे change करा लेनी चाहिए, ताकि अगर मैंने for example कोई चीज़ खरीदनी है तो पैसों की shortage ना हो जाए. And you know what? यहाँ पे हर departmental store के अंदर आपको मनी एक्सचेंज मिल जाता है. लाइक आपको कहीं पे भी पर्टिकुलर किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है. आप उनको डॉलर्स देंगे या जो भी करेंसी आप यूज़ करते हैं, आप उनको देंगे और वो करेंसी आपको इन रिटर्न जो है वो IQD में दे देंगे. सो चलते हैं, पहले अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं एंड उसके बाद चलते हैं मार्केट. गाइस, यू कैन सी दिस इज अ ब्रांडेड शॉप with the name of Arsh Luxury and you can see the designs. जो यहाँ पर मुझे ट्रेंड लगता है ना, यहाँ पर यूजली फीमेल्स यूज टू वेयर सच काइंड ऑफ यू नो गाउन्स एंड द फ्रॉक्स एंड इट्स अ बिग शॉप इन साइड. एज यू नो ईद आ रही है, लेकिन ये जो शॉप है यहाँ से जब गुजरते हैं तो क्रिसमस वाली फीलिंग आती है कि क्रिसमस आने वाला है. सो बिकॉज ऑफ द ईद
people are so much busy in shopping and all that. And here we go. We got the shop for the money exchange. तो अभी हम चलते हैं अंदर और अपने पैसे जो हैं उनको exchange करवाते हैं. Thank you. So guys, money exchange is done. As you know, एक मिनट के अंदर कोई documentation नहीं, कोई कुछ नहीं. और simply बस they took the dollars. इतने डॉलर्स नहीं थे यार, प्लीज़. अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि यार ये तो जाते साथ ही डॉलर्स कमाना शुरू हो गया है, ये तो बड़ा अमीर हो गया है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो नहीं, लेकिन आपकी दुआ से लाजमी. तो कुछ पड़े हुए थे जो मैं एज अ बैकअप साथ लेके आया था, तो वो भी यूटिलाइज़ करने लगा हूँ. सो अब हम जाएंगे मार्केट की तरफ, क्योंकि अब हम काफ़ी अमीर हो गए हैं. 58,000 एक्सचेंज करवाया मैंने. सो लेट्स गो टूवर्ड्स द मार्केट एंड लेट्स सर्च आउट द थिंग्स. थैंक यू. अच्छा गाइस, नॉर्मली तो आपको पता है हमारे पास जब भी कोई आता है पाकिस्तान में तो हम उनको सर्व करते हैं चिकन कढ़ाई और देसी फूड एंड ऑल दैट ना. लेकिन अरबील की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे कोई भी आता है ना तो वो उसको सर्व करते हैं कबाब से. तो दिस इज़ वन ऑफ द फेमस शॉप इन अरबिल जहाँ पे आपको बीफ में और चिकन में आपको ना बारबेक्यू मिलेगा बड़ा ज़बरदस्त. सो आई विल मेक श्योर कि किसी दिन आपको इसके अंदर से मैं विजिट भी करवाऊँ, खाने को भी ट्राई करें. सो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा मैं आपको दिखाता जाऊँ. थैंक यू गाइस, दिस इज़ एक्चुअली द गुलान मॉल एंड एज यू कैन सी इट्स ह्यूज, काफ़ी बड़ा है. तो अभी हम इसकी एंट्रेंस देखेंगे और फिर एंट्रेंस के थ्रू हम जो है वो जाएंगे. दिस इज़ एक्चुअली द सेम क्लिनिक जो कल मैंने आपको दिखाई थी, जिसकी वजह से मैं कुर्दिश जो है वो सीख गया था. तो अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ बताइएगा. गाइस चेक आउट द ब्यूटी, ओह माय गॉड, इट्स रेंज रोवर. एंड मॉल हमारा थोड़ा सा दूर रह गया, बस पहुंचने वाला हूं मैं. अभी एक दोस्त से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे रेंजेस बताई हैं कि किन रेंजेस के अंदर जो है वो होना चाहिए. सो लेट्स सी उधर क्या रेट है. गाइस यू कैन सी द ड्रेसेस, आई गेस ये बारबी डॉल जो है वो यहाँ की रहने वाली थी. You can see the velvet sari and this frog as well. Very beautiful. एक चीज़ मैं आपको उस दिन दिखाना भूल गया था पहली वीडियो के अंदर, ये देखें जी ये गाड़ियाँ और ये इन गाड़ियों का सर्विस स्टेशन है. मतलब ये सारी गाड़ियाँ वन बाई वन लगी हुई हैं एंड यू कैन सी मर्सिडीज एंड इसका तो मॉडल भी नहीं पता मुझे. एंड यू नो एवरी वन इज इन द लाइन एंड दे आर वॉशिंग देयर कार्स. गाइस चेक दिस आउट, इधर तो स्विस भी है, ये तो अभी मैंने देखा है, इट्स अ स्विस मार्केट. सो दिस इज यू नो फॉर माय स्विस फैमिली, उनको भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे भी एक छोटा सा स्विट्जरलैंड बसता है. जस्ट किडिंग, इट्स जस्ट अ स्विस मार्केट जिसके अंदर आई गेस इट्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड यू कैन गेट एनीथिंग. सो आई गेस आई एम नियर टू द मॉल एज वेल, सो लेट्स गो इनसाइड. गाइस एक बड़ा मसला है यहाँ पे मोस्टली लोग जो है ना उनको आती है अरबी, और 100 में से कोई एक दो निकलते हैं जो कहता है यस यस इंग्लिश, तो फिर जाके मसला जो है ना सॉल्व होता है. सो एंट्रेंस का मैंने कन्फर्म किया है अभी, तो अभी बस थोड़ी देर में आई गो इनसाइड एंड आई विल सर्च फॉर माय आयरन. सो गाइस राइट नाउ आई एम इन द मॉल. अभी मैंने एंट्रेंस पे पूछा इन लोगों से कि आई वांट टू बाय एन आयरन, तो उनका एक बहुत अच्छा जवाब था और वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा एंड इट वाज अरबी नो इंग्लिश. सो I'm going to find out the person who can at least speak in English. मेरी तरह ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोल सकेगा,
क्योंकि यहाँ पे सारे उल्टी पुल्टी इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन ये है कि वो कम से कम मुझे ये बता देगा कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो कहाँ पे अवेलेबल है। सो लेट्स गो। गाइस, इस ब्रांड के साथ मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, मेरे बॉस थे अली अदनान और अब तो भाई हैं, तो उनके लिए ना हम लोग बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए गए थे। तो हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ से ना एक स्वेटर पसंद किया था, एंड हमारे प्यारे बॉस मोहतरम अली अदनान भाई जान ने वो भी वापस करा के तो अपनी पसंद का कुछ लिया था, क्योंकि उनको आदत है कि जो भी चीज़ उनको दी जाती है उनको बहुत मुश्किल पसंद आती है और फिर वो उसको एक्सचेंज करवाते हैं। अली भाई, अब तो मैं ये बात कर सकता हूँ क्योंकि अब तो आप मुझे टर्मिनेट भी नहीं कर सकते। जस्ट किडिंग, मिस यू अली भाई। सो गाइस, फाइनली एक शॉप का पता लगा है, वो भी एक लेडी ने हेल्प आउट किया। उसने बताया कि आप नीचे जाके तो वहाँ पे एक शॉप होगी हौला के नाम से, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप। तो पूरे मॉल में एक ही इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसके अंदर आई कैन गेट दीज थिंग्स। सो आई एम गोइंग डाउन एंड टू सर्च आउट द शॉप। सो लेट्स सी वहाँ पे मुझे मेरी चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती। थैंक यू। गाइस, दिन रात की अंतक कोशिशों के बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली आइटम के पास आ गया हूँ, एंड लेट मी सी के यस वी हैव द जॉक्स एंड जूसर्स एंड यस वी हैव एन आयरन्स मिल गई। लेट मी सी ये कितने की है? हैं 190,000 IQD. Okay. It's so expensive. Guys, I'm so sorry. मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मुझे आयरन नहीं खरीदनी, मैं कपड़े मैनेज कर लिया करूँगा, मैं किसी से मांग के आयरन कर लिया करूँगा, लेकिन ये वाली नहीं लूँगा, ये बहुत महंगी है। 190,000 IQD की आयरन, 100,000 रुपये की आयरन, कम से कम 90,000। जोक्स अपार्ट, बट दे आर ओरिजिनल्स एंड यस दिस इज़ आउट ऑफ बजट, एंड सिंस वी आर इन मॉल तो ऑब्वियसली यहाँ पे चीज़ों का रेट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बट विल सी दिस आयरन सम अदर शॉप। लेट मी कॉल माई फ्रेंड, उससे मशवरा लेता हूँ कि वो क्या कहता है कि शुड आई बाय इट और नॉट। गाइस, आयरन वाले मामला तो समझ नहीं आए, लेकिन दे हैव द आइसक्रीम्स एंड लेट मी शो यू कि जिन चॉकलेट्स को हम पाकिस्तान में एक्सपेंसिव चॉकलेट्स कंसिडर करते हैं, जो कि सच भी है, उन चॉकलेट्स की यहाँ पे आइसक्रीम्स भी हैं। यू कैन सी डेयरी मिल्क में हमारे पास टब्स भी हैं, ओरियो एंड डेयरी मिल्क एंड इवन किंडर। सो आई विल पिक द डेयरी मिल्क। गाइस, मुंह मीठा करने का टाइम बनता है, वो इस वजह से कि मेरी अपने फ्रेंड से बात हुई है ऑफिस में, तो उसने मुझे ये कहा कि मसरूर भाई, आप वहाँ से आयरन परचेज मत करें, क्योंकि वहाँ पे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आयरन परचेज की हुई है, वो बता रहे हैं कि हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहाँ पे मुझे आयरन जो है वो 25,000 से 30,000 की रेंज में मिल जाएगी, विच मेक सेंस आई गेस। तो अभी फिर हम करेंगे थोड़ा सा मुँह मीठा, खुशी का मौका है, खुशी का आलम है, बट यहाँ रोज़े हैं, रोज़ों का एहतराम है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं खाऊँगा। व्हेन आई विल गो बैक टू माय होटल, तो वहाँ पे जाके आई विल हैव माय आइसक्रीम। सो आई होप आपको मेरा ये वीलॉग जो है पसंद आया होगा, मैंने कुछ नया दिखाने की आपको कोशिश की थी, कुछ ख़रीदने की कोशिश भी की थी, लेकिन
सेंस वो महंगा बहुत था तो ख़रीद नहीं सका, बट आई गेस जब आप इस तरह आउट ऑफ कंट्री में आते हैं तो आपको अपने एक्सपेंस बड़े सोच समझ के यूटिलाइज़ करने चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इन पैसों में ये चीज़ें ख़रीदूँगा तो ऑब्वियसली आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग, अपनी फैमिली भी मैनेज करनी है, बाकी सब भी मैनेज करना है. तो स्टे इन टच, आई होप यू लाइक माई वीलॉग, एंड कुछ नया ज़रूर आपको दिखाया होगा मैंने. चलो और कुछ नहीं तो आयरन की प्राइस तो सही, आप लोगों को बता तो सकते हो कि 180,000 की आयरन भी मिलती है. मुल्क ना बताना, मेरा वाला वीलॉग दिखा के सिर्फ प्राइस दिखा देना उनको ताकि उनके रंग उड़ जाएं. तो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे इन टच, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू. मैं अपने कुछ पुरानी वाली वीडियोज़ देख रहा था, यू गाइज आर व्यूइंग, आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. So we'll be in touch and kal milenge hum ek naye vlog ke saath. Tab tak ke liye take care. Ek last cheez main yahan pe mention karna chahunga jo ki mujhe lagta hai ki karni banti hai. Jab bhi aapke paas kuch naya infrastructure hota hai, kuch nayi cheez hoti hai dikhane ke liye, to uske liye logon ko allow karna chahiye. I still remember Pakistan mein jab bhi hum kisi mall mein jate hain तो वो इवन हमें वहाँ पे कैमरा मोबाइल यूज़ नहीं करने देते. आई नो देर आर सम सिक्योरिटी कंसर्न्स या जो भी है, बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि दे नेवर आस्क मी टू स्विच ऑफ माय कैमरा और एनीथिंग. सो दिस इज़ द थिंग मुझे लगा मैं मेंशन ज़रूर करूँ. सो आई एम टेकिंग एग्जिट एज यू नो, एंड आई विल नाउ गो बैक टू माई होटल. अगर भूख लगी तो उस दौरान रुकूँगा और रुक के कहीं कुछ खाना वगैरह खाऊँगा. तो तब तक के लिए टेक केयर. वेट, अभी ख़त्म नहीं हुआ. अभी मुझे एक अल्लाह का बंदा मिला था, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे आयरन चाहिए, तो उसने मुझे एक शॉप बताई है गाइस. उसने मुझे कहा कि आप उस शॉप पे जाएं तो वहाँ पे आपको आयरन जो है मिल जाएगी. तो यहाँ से मैं एग्ज़िट लेके तो उस शॉप की तरफ जाने लगा हूं. अगर तो हमें वहाँ आयरन मिल गई तो हमारा आज का मिशन कामयाब हो जाएगा. So let's see. नहीं जी, आई एम इन अनदर स्टोर. इसका तो आप सबको पता है, इट्स कारफोर. और समवन टोल्ड मी कि यहाँ से आपको आयरन जो है वो रीज़नेबल भी मिल जाएगी और अच्छी भी मिल जाएगी. सो लेट्स सर्च आउट एंड सी हमें मिलती है कि नहीं मिलती. थैंक यू गाइज, धोखा हो गया हमारे साथ. और ये आयरन तो पड़ी हुई है लेकिन मैं जूम नहीं करूँगा. अगर मैं जूम करूँगा तो बड़ा मसला हो जाएगा. तो मैं कल अपने ऑफिस जाके तो वहीं से परचेस करूँगा ताकि मुझे एक रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए. मैं नहीं बताऊँगा आपको प्राइस कितने की है. चले बता देता हूँ, इट्स 190,000 IQD. सो इट्स आउट ऑफ द बजट. सो लेट्स गो बैक टू होटल. अब कहीं सो गाइस, नियर टू माय होटल. आयरन तो मैंने आपको बताया यहाँ से भी नहीं मिली. तो अब बस ये है कि लास्ट ऑप्शन इज़ टुमारो. आई आस्क माय फ्रेंड, तो दे साइड के हम आपको कर देंगे अरेंज, आप यहाँ से मत खरीदिएगा. एंड हाँ, कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी कारफोर में, वो मैंने ले ली हैं जो मुझे लगा कि मतलब यहाँ से ले लेनी चाहिए. सो आई एम नियर टू माई होटल. एंड ये देखें पीछे पिलोज का कुछ इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है. वाह क्या बात है. सो नियर टू माय होटल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. हाँ, रात के लिए कुछ स्पेशल आपके लिए ज़रूर होगा. सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज. डोंट सब्सक्राइब, डोंट लाइक, डोंट डू, डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच.